मेरा नया टैटू ब्रो, मेरा भी। दिखवाना बंद कर दो हाथ पे, पूजा बबीता सविता। अगर पूजा चली गई तो नहीं मिलेगा कोई दूजा। वो लगता था वो चाइनीज वाले टैटू चलते थे, फिर उर्दू। Guys, welcome back to my channel. This is Karan Ajingra, your own formal-edit. आज हम बात करने जा रहे हैं something serious, but that is a style element. वो क्या है? That is a tattoo. Serious की बात क्यों आई? क्योंकि that will be permanent on your body. बहुत ध्यान देना पड़ता है. Still एक style element consider होता है. बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि अभी बनवा लेते हैं, दो साल बाद regret करते हैं वो tattoo. Pain भी bear करते हैं, पैसे भी खर्चते हैं और उसके बाद regret करते हैं. वो नहीं होना चाहिए. तो वो क्या style mistakes है जो आपको ध्यान रखनी है tattoo बनवाने के दौरान? आइए बात करते हैं। अब मेरी बात आप क्यों सुने? क्योंकि मेरी बॉडी पे ऑलरेडी दो टैटूज है। सबसे पहले मिस्टेक आप क्या करेंगे, विजिबल एरियाज पे टैटू बनवाना, मतलब फेस, नेक या आपके हैंड्स। ऐसा क्यों? वैसे इट्स योर बॉडी, आई एम ओपन माइंडेड, यू आर ओपन माइंडेड, लेकिन कोई इंटरव्यूअर है, कई सर्टेन जॉब्स है जैसे कि IAS, IRS, गवर्नमेंट सर्विसेज, कई बैंक्स है, कई लॉ फर्म्स है जो रिजेक्ट कर देती है इस बेसिस पे। अगर आपके विजिबल एरियाज पे टैटू हो तो ऐसी जगह टैटू बनवाए जैसे कि आपके आर्म्स, जो आपके यूनिफॉर्म या कपड़ों से ढक जाए। सर मेरा रिज्यूम है। आपकी हॉबीज क्या हैं? निकल यहाँ से। अब यार नाम लिखवाना बंद कर दो हाथ पे, पूजा बबीता सविता। अगर पूजा चली गई तो नहीं मिलेगा कोई दूजा का टैटू किसी ने देख लिया तो। एंड सेकंड, इट्स नॉट वेरी क्रिएटिव। ऐसा लगता है कि आप टैटू आर्टिस्ट के पास गए, कोई आइडिया नहीं था, मम्मी का नाम लिख दिया यहाँ पे, बेटी का नाम या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट कर लिया, अच्छा यार ये वाला सिलेक्ट हुआ, यही डाल। इट्स नॉट क्रिएटिव। टू मच ऑफ कलर्स, याद रखना ब्लैक एंड ग्रे ज्यादा लास्ट करते हैं। ज्यादा कलर जब हो जाते हैं जैसे कि पिंक, रेड और कोई भी ब्राइट कलर होते हैं, अगर उसकी केयर ज्यादा ना करो जल्दी फेड होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक टैटू है अब जो लगता है। और उसके अलावा क्या ध्यान रखना है, ज्यादा कलरफुल टैटू है ज्यादा हर ओकेजन पे नहीं जाएंगे, हर आउटफिट के साथ नहीं अच्छा लगेंगे। इफ यू लव कलर्स तो बिट्स एंड पीसेस, हल्के हल्के कलर्स ब्लैक एंड ग्रे के अंदर आप ये वाला करिए, रादर देन टू मच ऑफ ओवरऑल ब्राइट कलर टैटू। है ट्रेंडी लैंग्वेज चाइनीज में, उर्दू में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो बहुत ट्रेंडी होती है। आज से 6 साल पहले वो लगता था वो चाइनीज वाले टैटू चलते थे, फिर उर्दू में चलने लग गए, वो ट्रेंडी थे लेकिन आप इतने 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 कॉमन हो गए हैं और सबको आके पूछना पड़ता है लिखा क्या है, लिखा क्या है, लिखा क्या है। पहली बात तो कॉमन, ऊपर से लोग पूछते हैं क्या लिखा है। अरे ये लिखा है कि मेरे दिमाग में गोबर था जब मैंने प्लान करा टैटू बनवाना। तो प्लीज इतना ज्यादा ट्रेंड में मत चले जाइए, बी समथिंग मीनिंगफुल, ऐसा कुछ लिखिए या जो कुछ एक्सप्रेस करे आपकी लाइफ के बारे में वो लिखवाइए। अगली गलती, डिस्काउंट कोड और कूपन्स, मतलब क्या बहुत वेबसाइट 30% ऑफ देती है, 5000 कम कर देती है। बहुत टैटू आर्टिस्ट सेल लगाते हैं, क्रिसमस सेल, दिवाली सेल पे आप टैटू सस्ता बनवा लीजिए, उनको तो अपना काम चलाना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत लोग देखा है सस्ता मिल रहा है तो टैटू बनवाने चले जाते हैं। ब्रो ये परमानेंट चीज है, इट्स एन आर्ट, क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी बॉडी पे रहने वाली है। तो आप जब तक उसका काम ना देखिए और आपके पास एक अच्छा मीनिंगफुल आइडिया ना हो टैटू के लिए, तब तक मत जाइए। अगला है गेटिंग टू मच इन्फ्लुएंस बाय एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। होता क्या है, बहुत बहुत फेमस टैटू है जैसे कि रॉक का टैटू है, रैंडी ऑर्टन का टैटू है, इन लोगों का कॉपी इतना होता है और लोग सोचते नहीं है, करने से पहले पूरा पूरा कॉपी करा लेते हैं। लेकिन उन टैटूज का उनकी लाइफ से कोई मीनिंग होता है, कोई कनेक्शन होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं वो बस डिजाइन बनवा लेते हैं और आप क्या करते हैं, आप उसको एज इट इज कॉपी करा लेते हैं। लगता है क्या, आप में बिल्कुल क्रिएटिविटी भी नहीं है और दूसरा क्या, आपकी लाइफ से कोई रेलिवेंस ही नहीं है, वो परमानेंट चीज जो हमेशा आपकी बॉडी में रहने वाली है। आपने बिल्कुल होमवर्क ही नहीं करा टैटू बनवाने से पहले, एकदम से चुलोगी मुझे टैटू बनवाना है, मतलब क्या, मुझे कल गोवा जाना है मैं टैटू बनवाऊंगा, मुझे बाली जाना है मैं टैटू बनवाऊंगा, मेरी शादी होने वाली है मैं टैटू बनवाऊंगा, मेरी बॉडी बन गई है मैं टैटू बनवाऊंगा, ये कोई रीजन नहीं है टैटू बनवाने का। अगर आपको टैटू बनवाना है, कोई मीनिंगफुल डिजाइन होना चाहिए जो आपकी लाइफ से पूरी जिंदगी रिलेट करे। अगर आपको उसमें डिफिकल्टी होती है मुझे कमेंट में बताइए, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। और कई लोग क्या करते हैं, किसी की रिकमेंडेशन पे टैटू बनवाने चले जाते हैं, किसी से भी बोलते हैं इसका टैटू डिजाइन का आर्ट अच्छा है इससे बनवा ले, तो उससे बनवाने चले जाते हैं। नहीं, कहीं के ज्योमेट्रिकल डिजाइन अच्छे होते हैं, कईयों के पोर्ट्रेट स्केचेस अच्छे होते हैं, तो पहले उसका वेबसाइट पे, इंस्टा पेज पे उनका काम देखिए एंड देन गो फॉर इट। वेरी केयरफुल विद पोर्ट्रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि पोर्ट्रेट एग्जैक्टली किसी की पिक्चर और स्केच बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। विद अ टैटू नॉट इम्पॉसिबल। एंड हाँ, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपने अपने डॉग, फैमिली मेंबर या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड की जो भी स्केच बनवाया है बॉडी पे, क्योंकि आपकी बॉडी हल्की सी लटक जाती है, स्किन आगे सैग हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं फ्यूचर में, तो वो शेप चेंज ना हो जाए, मतलब जर्मन शेफर्ड का बनाया तो आपका डॉग पमेरियन लगने लग गया, या आपने अपने बच्चे का बनाया तो बीवी आपकी 10 साल बाद बोल रही है तो मेरा बेटा लग ही नहीं रहा। सो बी वेरी केयरफुल वाइल पिकिंग द टैटू आर्टिस्ट, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब मजाक था, लेकिन टैटू आर्टिस्ट का बहुत ध्यान रखें और तब जाइए आगे।
आपको ट्रेंड्स को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा, जैसे कि वो वरुण धवन वाले बैंड्स हो गए, बार्ड वायर हो गए, उसमें क्या हार्ट बीट चल रहा है, कहीं के क्या चिड़ियां निकल रही है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के टैटू से, किसी से पर्सनली मेरे को ये प्रॉब्लम है आप लोग उस जाल में ना फंसे जहाँ पे सबके टैटू कॉमन है, हर दूसरे ने बंदे ने वो सेम टैटू बनवा रखा है, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। ए, मेरा नया टैटू ब्रो। मेरा भी। टैटूज नहीं बनवाने हैं, मतलब आपको क्या, जैसे कि आपने मिडिल फिंगर वाला टैटू बनवा लिया, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज बनवा ली, आप ये इमेजिन करिए आज से 20 साल बाद भी कि अपनी फैमिली के साथ वो टैटू उतना ही प्रेजेंटेबल लगेगा, एंड देन गो फॉर दैट टैटू। इमोशनल टैटू का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आप फोटोग्राफर है या कोई डीजे या म्यूजिक में है, एकदम से आपने करियर स्टार्ट करा है, उससे रिलेटेड टैटू एकदम मत बनवाइए। जब तक आप 5-6 साल अपने पैशन को फॉलो ना करें तब तक उसमें कुछ टैटू से रिलेटेड मत बनवाइए, क्योंकि करियर कैन चेंज बट दैट टैटू कैन नॉट। अगर आपने परमानेंट इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो दर सह लिया है, वो परमानेंट आर्ट बॉडी पे आ चुकी है, तो कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा उनका टैटू स्ट्रेच हो जाए, फेड हो जाए या खराब हो जाए। सबसे पहला, एकदम आपको वर्कआउट नहीं करना 15-30 दिन, डिपेंडिंग आपका टैटू कितना बड़ा है, आपको थोड़ा अवॉइड करना है वो एरिया स्ट्रेच ना हो और स्वेटिंग ना हो ज़्यादा वहाँ पे। आपको जाते ही सन एक्सपोजर नहीं देना 10-15 दिन तक, जब तक वो हील नहीं होता। उसके बाद भी जब आप सन में जाएंगे, हार्श सन में आपको SPF यानी कि आपको सनस्क्रीन लगा के रखनी है, और क्या, हल्का सा एक वूंड की तरह, एक बेसिकली जख्म की तरह होता है जब वो हील होता है, खुजली होगी, यू डोंट हैव टू स्क्रैच इट, वो चीज आपको अवॉइड करनी है। नॉन सेंटेड मॉइस्चराइजर लगाना है आपको जरूर, मतलब क्या 15-20 दिन तक आपको जिसमें कम से कम खुशबू हो मॉइस्चराइजर में वो लगाए, या वो टैटू क्रीम्स भी सजेस्ट करते हैं उस चीज को लगाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है तो मॉनसून में टैटू थोड़ा अवॉइड करिए। और ये थी हमारी तरफ से टैटू मिस्टेक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब। अगले बहुत बड़ी मिस्टेक क्या है, नाम लिखवा लेना, श्वेता बबीता स्वमित। यार मतलब क्या, बहुत वेबसाइट 30% ऑफ, 5,000 रुपीज ऑफ।